नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे रिलैक्सो फूड वियर के बारे में। इस कंपनी की बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी में आप चाहे तो तेजी से पहले जो है कि बाइंग कर सकते हैं, जो कि मेरे पॉइंट से रहेगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर इस स्टॉक में एक बार अभी तेजी आती है ना, तो इस स्टॉक में मेरे पॉइंट से हो सकता है कि तेजी नहीं रुक सकती। चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी इस स्टॉक में बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। चलिए मैं स्टॉक के ऊपर आ जाता हूं। फूडवेयर के ऊपर कंपनी की बात करें दोस्तों, ये जो है कि कई दिनों से जो है कि कंसोलिडेशन कर रही है। इस कंपनी की बात करें दोस्तों, तो आज के दिन पूरा मार्केट जो है कि हरे निशान में था। इस कंपनी की बात करें तो ये भी हरे निशान में था, लेकिन हाँ कुछ खास इस स्टॉक में तेजी नहीं थी। कंपनी की बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी जो है कि गैप अप जो है कि ओपन हुआ था, लेकिन यहां पर देखेंगे थोड़ी सी कंपनी डाउन होती है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन करती है। 5 दिन की बात करेंगे तो 5 दिन में स्टॉक जो है कि वही 2% डाउन है। 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में कंपनी 9% डाउन है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो बीच में जो है कि कंपनी ने एक अच्छी खासी तेजी भी दिखाई दी, मतलब 8% 9% के आसपास इस स्टॉक में तेजी थी। उसके बाद वहाँ से बहुत अच्छी खासी गिरावट भी हो गई। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में जो है कि 11.5% तेजी है। वाई टू डेट की बात करें तो वाई टू डेट में 26 से 27% कंपनी में गिरावट है। 1 साल की बात करें तो 1 साल में 28%, मतलब दोस्तों आपसे बताने तो ये स्टॉक जो है कि 1 साल से नहीं चल रहा है। 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में लगभग कंपनी ने 300% का रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पर दोस्तों जो लर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से दोस्तों इस स्टॉक में ना ही गिरावट हो रही है ना ही ऊपर जा रहा है। ये स्टॉक जो है कि एक मतलब वही 1000 के रेंज में चल रहा है। मैगजोन चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने आज भी जो है कि 7000% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। इस स्टॉक की बात करें दोस्तों, तो इस स्टॉक में देखा जाए तो 17 अक्टूबर को देखेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में बहुत हैवी जो है कि माल उठाएगा, जो कि 87% के आसपास निकल के आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस स्टॉक में जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि वैल्यूम भी नहीं बनते, जो है कि यहाँ पर देखेंगे दोस्तों वही 91,000, 1,00,000, 2,00,000 शेयर ही टोटल 1.5 लाख शेयर के आसपास ट्रेड होते हैं, जिसमें देखा जाए दोस्तों तो कल के दिन 17 अक्टूबर के दिन इस स्टॉक में मतलब 9,00,000, 10,00,000 शेयर ट्रेड हुए थे, जैसा कि आप यहां पे देख भी सकते हैं। रिलैक्सो फूड वियर की बात करें दोस्तों, तो आज के दिन जो है कि वही फ्लैट कारोबार है कंपनी का। कंपनी की बात करें 4 नवंबर 2021 को कंपनी 1448 का हाई लगाए। यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर ने बाइंग करके फंस गए हैं। 925 का कंपनी का 12 मई 2022 को कंपनी का लो है। कंपनी की बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी में देखेंगे बहुत ज़्यादा जो है कि वैल्यूम क्रिएट नहीं होता है। यहाँ पे भी देख सकते दोस्तों वही जो है कि 1,07,000 शेयर टोटल ट्रेड हुए, जिसमें 63,000 शेयर माल डिलीवरी में उठाया गया है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें दोस्तों, तो इतना कुछ खास अपडेट नहीं, सारा कुछ जो है कि पुराना है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग की बात करें तो अभी तक जो है कि इनका बोर्ड मीटिंग देखा जाए दोस्तों 2 नवंबर को इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाले हैं, जो कि फाइनेंशियल रिजल्ट। उसके पहले दोस्तों इस स्टॉक में जो है कि हैवी माल उठाया गया है। कंपनी की बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी जो है कि 2.5-3 रुपये के आसपास डिविडेंड भी पे करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, जितना भी प्रमोटर के पास शेयर है, मतलब आपसे बताना चाहते हैं 71% के आसपास प्रमोटर के पास शेयर है। प्लेज की बात करें तो 0, बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं, हमने कई बार इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बना दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, 25,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, 24,000 करोड़ का। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। 970 कंपनी करंट प्राइस चला, 1448 कंपनी ने हाई लगाया था, 925 का कंपनी का लो है। पी की बात करें दोस्तों, जो लोग सोच रहे हैं कि इस स्टॉक का पी थोड़ा सा और डाउन होगा, दोस्तों उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, ये कंपनी जो है कि वही 100-120 के आसपास इसका पी जो है कि रहता है। कंपनी की बात करें, बुक वैल्यू जो है कि इसका 70 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है। आरओई देखा दोस्तों तो ठीक ठाक है, अदर कंपनी के मुकाबले जो है कि ठीक ठाक। कंपनी के कंपटीटर की बात करें दोस्तों, तो इनके बहुत बड़े बड़े दिग्गज कंपटीटर हैं, लेकिन हाँ इस कंपनी की बात करें दोस्तों, ये जो रिलैक्सो फूड बियर आपको दिख रहा है दोस्तों, ये कंपनी जो है कि पहले नंबर पे आती है। सेकेंड नंबर पे जो है कि बाटा आती है। कुछ रिटेलर दोस्तों क्या है कि कैंपस या मेट्रो बॉन्ड को देख करके जो है कि थोड़ा सा क्या है कि इस स्टॉक को अवॉइड कर रहे हैं। दोस्तों उनसे इतना ही कहना चाहते हैं दोस्तों, जो कंपनी बड़ी है वो कंपनी बड़ी है। ये रिलैक्सो फूड बियर की बात करें दोस्तों, तो ये क्या है कि अफोर्डेबल प्राइस पर जो है कि प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। और दूसरी कंपनी की बात करें दोस्तों, तो क्या है कि उनका थोड़ा कॉस्टली रहता है। कंपनी स्ट्रगल क्यों कर रही है दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं, इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी डाउन है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके सेल्स में जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट दूसरी सेम प्रोपोर्शनल में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी डाउन है। पीएनएल की बात करें दोस्तों, बहुत लंबा नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ अब तक के हिसाब से देखा जाए मार्च 2011 से इनके सेल जो है कि बढ़ते ही जा रहे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 981, 1100, 1400, 1600, 1600 वापस जो है कि 1600 थोड़ी सी कंपनी जो है कि डाउन हुई, 1900, 2200, 2400, 2400 फिर 2300 थोड़ी सी कंपनी डाउन होती है, 2600, 2800। अभी तक के हिसाब से दोस्तों क्या लगता है आपको, कंपनी क्या डाउन हुई तो क्या दोबारा कमबैक नहीं किया? आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो है कि कमबैक भी किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं 72, 95, 110, 148, 200, वापस 250, फिर वही जो है कंपनी थोड़ी सी डाउन होती है, फिर 300,
350-350 के आसपास, 400-450 के आसपास देखा दोस्तों। तो अभी तक के हिसाब से ये कंपनी जो हाई लगाया ना, यहाँ से कंपनी जो है कि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, जैसा कि आप देख सकते वही जो है कि 27-40-45-66-100 के आसपास, 120-121-161 फिर 175-200-200-300 वही दोस्तों देखा जाए तो वही 250-300 की रेंज में अभी तक कंपनी चल रही है। कंपनी की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वही 10-12% के आसपास निकल के आता है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 20% के आसपास है, जो कि TTM में दोस्तों हमने देख लिया कंपनी थोड़ी सी डाउन है। CGR की बात करें दोस्तों लॉन्ग टाइम में कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं 30-40% के आसपास निकल के आता है। एक साल वाले इस कंपनी से परेशान है। रिटर्न इक्विटी की बात करें दोस्तों जो कि 14 का है, जैसा कि हमने देख लिया। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों तो इनके पास रिजर्व्स देखेंगे जो कि 1700 करोड़ का रिजर्व्स है। डेट की बात करें दोस्तों डेट इनका देखा जाए थोड़ा सा क्या है कि बढ़ते मोड़ में है, जो कि एक निगेटिव पॉइंट नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों प्रमोटर के पास हमने देख लिया, जो कि जितना भी स्टेक है सारा जो है कि प्रमोटर के पास कुछ भी प्लेज नहीं है। FIs की बात करते हैं, FIs ने कुछ माल को सेल किया, लेकिन यहाँ पे दोस्तों लर्निंग पॉइंट देखेंगे तो DIs ने दोस्तों यहाँ पे जो है कि जितनी भी गिरावट हुई सितंबर महीने का आप देखेंगे तो DIs जो है कि माल को एक्युमुलेट करते ही जा रहे हैं। रही बात पब्लिक की बात करें दोस्तों तो पब्लिक क्या करती है, किसी भी स्टॉक में अगर गिरावट होती है या कंसोलिडेशन होता है तो स्टॉक को सेल करके चले जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो है कि 2 क्वार्टर से पब्लिक जो है कि माल को सेल कर रही है। रही बात यहाँ पे DIs की बात करें तो DIs जो है कि माल को एक्युमुलेट कर रहे हैं। रही बात प्रमोटर की देखा जाए दोस्तों तो स्टेक उनका सेम है, न बढ़ रहा है न घट रहा है। यहाँ पर प्रमोटर के बाद FIs की बात करते FIs भी जो है कि माल को सेल करना क्या है दोस्तों, इतना ही कहना चाहते हैं। देखिए जिनके पास भी है आप चाहे तो होल्ड के चल सकते हैं, जिनको अभी बाइंग करना है दोस्तों मेरे पॉइंट से आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक की बात करें दोस्तों तो इनका जो है रिजल्ट थोड़ा मान लीजिए खराब आ भी गया 2 नंबर को तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उससे पहले भी तो जो है कि 9 लाख शेयर ट्रेड हुए जिसमें देखा जाए तो 88% जो है कि माल डिलीवरी में उठाया गया। अगर हम इनके प्राइस की बात करें दोस्तों तो 965 रुपये के आसपास माल जो है कि डिलीवरी में उठाया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो रिटेल इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि इस स्टॉक में हम फंस गए उनसे इतना ही कहना चाहते हैं दोस्तों, देखा जाए तो कंपनी के अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी जो है कि एकदम ग्रोइंग मोड में, चाहे इनके चार्ट देख लीजिए आप जो है कि चाहे इनके फाइनेंशियल कंडीशन देख लीजिए सारा कुछ कंपनी का स्ट्रांग है। तो सोच रहे हैं कि मेट्रो ब्रांड सही है या कैंपस एक्टिवियर सही है दोस्तों, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं ये सारे जो है कि महंगे ब्रांड्स हैं, इनको देखा जाए दोस्तों तो रिलैक्सो फूड बियर को टक्कर देने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है मेरे पॉइंट से। मैं नहीं कह रहा हूँ कंपनी ये गलत है दोस्तों, रिलैक्सो फूड बियर के सेक्टर में क्या दोस्तों कंपटीशन नहीं है, क्या इन्होंने अभी तक जो है कि क्या बीट नहीं किया है? देखा जाए दोस्तों तो स्टॉक जो है कि एकदम टॉप पे है। कंपनी की बात करें दोस्तों तो कंपनी जो है कि पहले नंबर पर आती है। तो कंपनी की बात करें दोस्तों जिनके पास भी आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं, जिनको फ्रेश बाइंग करना है आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों तो ये स्टॉक हो सकता है कि 920 के आसपास आ सकता है। अगर हायर साइड की बात करें दोस्तों तो ये स्टॉक जल्दी जो कि 1100 के लेवल को भी टच कर सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।